बॉलीवुड लीजेंड राजकुमार बहुत ही बेबाक अभिनेता थे और वो अपने साथी कलाकारों के बारे में कुछ भी बोल दिया करते थे। 1972 में डायरेक्टर शक्ति सामंत उन्हें अपनी फिल्म अमर प्रेम के लिए साइन करना चाहते थे, पर राजेश खन्ना ने कम पैसों में और बहुत मिन्नतों से अमर प्रेम अपने नाम कर ली। इससे राजकुमार को बहुत गुस्सा आया और जब डायरेक्टर शक्ति सामंत ने अमर प्रेम का प्रीमियर रखा तो उसमें राजकुमार को भी बुलाया गया। तब उन्होंने राजेश खन्ना पर तंज कसते हुए कहा, हमारे फेंके हुए बिस्कुट खाकर कुत्ता भी बुलडॉग बन जाता है, तो फिर हमने तो फिल्म छोड़ी है, तो कल ये भी सुपरस्टार बन ही जाएगा। इस बात से राजेश खन्ना बहुत आहत हुए, पर राजकुमार के कद के आगे वो कुछ भी ना कर पाए।